नीतीश तिवारी ने कर ली है अपनी रामायण के लिए कास्टिंग पूरी। बताएगा आपका भाई कौन से रोल में कौन होने वाला है। पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा पागल बॉलीवुड। नीतीश तिवारी ने अपने रामायण के लिए राम जी के अवतार में हमें दिखने को मिलने वाले हैं एनिमल वाले रणबीर कपूर। एनिमल मूवी के बाद रणबीर कपूर के सितारे सातवें आसमान पर है। और सीता माता जी के रोल के लिए पहले चर्चाएं चल रही थी कि आलिया भट्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन पब्लिक की डिमांड की वजह से साई पल्लवी को सीता माता जी के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है। जब से बॉलीवुड में कमबैक हुआ है सन्नी पाजी का गदर 2 के साथ, तब से सन्नी पाजी बॉलीवुड में छाए हुए हैं। और बताया जा रहा है कि नीतीश तिवारी ने अपने रामायण के लिए हनुमान जी के रोल के लिए सन्नी पाजी को साइन कर लिया है। जस्ट इमेजिन करके देखिएगा, सनी देओल की भारे भरकम आवाज से जब हनुमान जी बोलेंगे तो थिएटर में आग लग जाएगी। मूवी में उनके भाई यानी कि लॉर्ड बॉबी किसी रोल में दिख जाए तो क्या होगा। जी आपने सही सुना, नीतीश तिवारी ने लॉर्ड बॉबी को भी एक रोल ऑफर किया है। लॉर्ड बॉबी हमें रामायण में कुंभकर्ण के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। स्पेशली लॉर्ड बॉबी एनिमल में जिस तरह से रोल किया है, अगर जस्ट इमेजिन करके देखे तो कुंभकर्ण के रोल में लॉर्ड बॉबी छा जाने वाले है। अभी लक्ष्मण जी के रोल में कौन दिखने वाला है वो हमें न्यूज नहीं मिली है और फाइनल नहीं। और ये रोल जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मूवी का गेम चेंजर रोल होने वाला है। रावण का रोल करने वाले हैं अपने वायलेंस से भरपूर यानी कि यश KGF। थिएटर फट जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि ये मूवी काफी सारे स्केल पर बनने वाली है और ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही है, क्योंकि इस फिल्म का बजट 700 से 800 करोड़ बताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये मूवी में ये परफेक्ट